देखते ही देखते आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जो अगस्त के महीने पर ला करके हमको खड़ा कर दिया है। ये अगस्त का महीना कैसा होगा, इसी बात को लेकर के आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। एक एक बात को समझिएगा, किस प्रकार आपके परमात्मा, आपके देव और आपके गुरुदेव ने, भगवान शिव शंकर ने आपके जीवन को परिवर्तन करने का ठाना है, इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आए हैं। आपके कुंभ राशि के अनुसार ठीक आपके जो धन के मंत्री बनते हैं यही होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और इन्हीं बृहस्पति देवता को इसी अगस्त के महीने से ही इनको भी एक प्रकार से गुरु चांडाल योग से मुक्ति प्राप्त हो गई है। मुक्ति प्राप्त होने का तात्पर्य आपको ये भी समझना है कि गुरु इस समय पर खुल करके कार्य करेंगे और यहाँ पर आपके जीवन को परिवर्तन भी करेंगे आपके वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का कार्यभार आपके कुंभ राशि के अधिपति शनि देवता ने देव गुरु बृहस्पति को दिया है, आप सब इसे जानते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति गोचर वर्ष 21 अप्रैल 2023 को ये आपके तीसरे घर पर गोचर इनका हुआ था। जैसे इनका गोचर हुआ था पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान थे, मानो गुरु राहु का संयोग बैठा। गुरु हमारे जीवन में भाग्य के कारक हैं, हमारे जीवन में धन के कारक हैं और साथ ही साथ राहु हमारे प्रगति में बाधक हैं, इन दोनों का समावेश देखने को मिला था। परंतु जैसे ही अभी 23 जुलाई से लेकर के अभी लगभग जो 30 अक्टूबर तक राहुदेव आपके तीसरे भाव पर रहेंगे, जिसके कारण से गुरु चांडाल योग बना था, उससे मुक्ति का योग क्यों बना, क्योंकि राहु इस समय पर हो गए हैं निर्बल। निर्बल का अभिप्राय आपको ये समझना है, जब कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के अंतर्गत आ जाते हैं तो इनके अंदर फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की रह जाती है। इस दरमियान 75% उनके नेगेटिव प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे धनेश हमको खुल करके धन प्रदान करेंगे और यही नहीं, हमको खुल करके हमारे कौटुंबिक जीवन में एक अच्छा शुभ अवसर प्रदान करेंगे, उसमें सुख का, एक अच्छे सौहार्द का। क्यों, क्योंकि गुरु हमारे तीसरे घर में गए हैं। कहाँ से धन प्राप्त होगा, अपने पराक्रम से होगा। क्यों, क्योंकि पराक्रम भाव पर देव गुरु बृहस्पति हैं और पूरे के पूरे 30 अक्टूबर तक ये ऑलरेडी यहीं पर रहने वाले हैं। अगस्त महीना तो विशेष होगा क्योंकि इस पूरे अगस्त के महीने में ही पूरे सावन के महीने की समाप्ति भी है। जिस दिन अगस्त का महीना समाप्त हो रहा है उसी दिन सावन महीने की भी समाप्ति है, इसलिए ये गुरु देवता और भी बलिष्ठ हो गए, राहु देवता से मुक्ति मिल गई। तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये समय बहुत अनुकूल हो सकता है आपके लिए ये अगस्त का महीना। और क्या होगा, साथ ही साथ आपको ये समझना है कुटुंब भाव के भी स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, इसलिए कुटुंब में भी किसी प्रकार से आपको लगता है कोई मांगलिक कार्य होना है या अपने घर परिवार के किसी लोगों पर आपको कोई कार्य करना है, उनके अच्छाई के लिए, उनके जीवन में करियर में ग्रोथ के लिए, ये सब आप अपने हाथों से कर पाएंगे क्योंकि ये तीसरा भाव हमारे स्वयं के हाथ, हमारे बाहुबल माने गए हैं। मानो हमारे बाहुबल में भी में ही वो सामर्थ्य आ गया कि हमको अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब ध्यान देंगे यही गुरुदेव आपके जीवन में 1, 2, 3, 4, 5 आपके पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहे हैं। तो गुरु चांडाल योग से मुक्ति का मतलब सप्तम भाव जो बिजनेस व्यापार का कारक होता है वहाँ पर आपको एक अच्छी संभावना दिखना। और एक भी बात ध्यान रखिएगा कि सप्तम भाव पर ऑलरेडी मंगल बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और इसी भाव पर अभी बताएंगे आपको कि सूर्य भी इसी भाव पर आ जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इस अगस्त के महीने में होगा वो आपका सप्तम भाव होगा, जो कि दशम से दशम होने के कारण आपका करियर है। तो करियर में बदलाव की स्थिति सबसे ज़्यादा इस अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। बिजनेस की दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा, गुरु की दृष्टि है। यदि किसी कारण से बिजनेस में हमारी रुकावट बनी हुई है तो मानिए कि वो अवसर आ गया है, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का वो समय आ गया है जब आपको बिजनेस में भी, आपके व्यापार में भी एक सुस्थिरता का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। अब यही नहीं, यहाँ से देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव कौन सा हो गया, नवम भाव है आपके भाग्य में वृद्धि का, आपके भाग्य का स्थान हो गया। जहाँ पर शुक्र गुरुदेव देख रहे हैं ये राशि, यहाँ इस घर के मालिक होते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, तो यहाँ पर भाग्य में भी वृद्धि का अवसर, अपने उच्चाधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलने का अवसर और साथ ही साथ पिता के साथ यहाँ पर भी वैचारिक वैमनस्य जो बने हुए हैं उससे मुक्ति और साथ में उनके साथ भी एक पारिवारिक और सुखद वातावरण आप देख सकते हैं। यही हमारे उच्च शिक्षा का होता है, तो गुरु स्वयं ज्ञान है
और ज्ञान की दृष्टि जब नवम पर पड़े तो हमारे ज्ञान कैसे अधूरे रह सकते हैं। मतलब सीधा प्रभाव आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके विवेक पर पड़ने जा रहा है, जो पॉजिटिव होने जा रहा है। अब यही नहीं, इस गुरु की नवम दृष्टि पड़ने वाली है या पड़ रही है आपके एकादश भाव पर, और इस टाइम पर विशेष प्रभाव इसलिए क्योंकि राहु निर्बल है। ध्यान दीजिएगा, अब ये जब एकादश भाव को देखेंगे तो एकादश भाव का है का लाभ का है, इनकम का है, तो इनकम के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। निश्चय मानिए अगस्त से, ये अगस्त का महीना उसका आप बेस मान सकते हैं, और अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक ऑलरेडी जब तक यहाँ पर राहु देव रहेंगे तब तक वो बाधा कारक रहेंगे, लेकिन परंतु उनके अंदर मात्र 25% की क्षमता होने के कारण गुरु खुल करके आपको इनकम दे पाएंगे। कोई आपकी इच्छाएं हैं, जिस जो इच्छाएं आप पूर्ति करना चाहते हैं, कोई आपकी कामनाएं हैं, जिस कामनाओं के लिए कभी आपने सपना देखा था, तो गुरुदेव उस सपना को पूरा करने के लिए यहां पर बाध्य हैं, क्योंकि उनकी नवम दृष्टि मानी जाती है कि उनकी भाग्य वर्धक दृष्टि होती है, इसलिए आपके भाग्य की जागृति आपके इनकम के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। अब गुरु की बात हुई, अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि ग्रहों के शासक होते हैं भगवान सूर्य नारायण, और यही सूर्यदेव गोचर वश कहाँ चल रहे हैं, तो आपके छठे भाव में चल रहे हैं। तो सूर्य का छठे भाव में होना, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में होना, ये मान सकते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका से दूरी का एक माहौल बन सकता है, क्योंकि छठा भाव यदि हम सप्तम से गिनते हैं तो 12वें स्थान पर आता है इस कारण से। दूसरा, यदि दाम्पत्य जीवन में कोई ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, ये मान सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद में होगा क्या, 17 अगस्त से ही यहीं पर सूर्य देवता आपके छठे भाव को छोड़ करके ये आपके सप्तम भाव पर गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव पर इनका गोचर का होना मतलब सीधा सीधा आप ये मानिए कि पुनः फिर से आपके दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के मध्य, अपने जीवन साथी जीवन संगनी के मध्य एक अच्छा वातावरण कायम हो सकता है। यही स्थान आपके व्यापार का है, इसलिए व्यापार में भी यहाँ पर मधुरता देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई सूर्य अपने स्वयं के राशि पर आए हैं, अपने स्वयं के घर पर आए हैं। जब आप और हम अपने स्वयं के अपने घर पर होते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य को भी यहाँ पर प्रबलता मिलेगी। पूरे एक साल के बाद ये सभी राशियों को छोड़ करके ये अपने घर पर आएंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव पर आएंगे, जो दशम से दशम होने के कारण आपके करियर में ग्रोथ की ही सिर्फ बात करते हैं। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, मंगल देव। मंगल देवता आपके जीवन में क्या रोल है भाई इनका, तो ये मंगल देवता आपके दशमेश हैं, मतलब समस्त आपके कार्य क्षेत्रों का यदि निर्धारण आपको जानना है कि मैं कहाँ कार्य करूँगा, क्या कैसे होंगी मेरी कार्य की जो शैली है, इन सबको जो दिखाने वाले ग्रह बनते हैं यही मंगल देव हैं। मंगल कहाँ पर हैं, तो मंगल देव बैठे हुए हैं आज के डेट पर ये आपके सप्तम भाव पर। कब तक रहेंगे, तो अभी 18 अगस्त तक मंगल देव आपके सप्तम पर रहेंगे, मतलब फिर से आपको कैरियर में ग्रोथ का एक वातावरण 18 अगस्त तक ये मंगलदेव बना रहे हैं। देखिए 18 अगस्त तक आपके, 17 अगस्त तक ये सूर्य देवता छठे में रहेंगे, लेकिन उस समय के आते तक आपके दशमेश जो मंगल हैं वो उसको मैनेज करेंगे, आप ऐसा मानिए। लेकिन जैसे 17 अगस्त को सूर्य देवता सप्तम में जाएंगे, वैसे ही ये मंगल देवता इस भाव को छोड़ करके आगे प्रवेश कर जाएंगे। अब कब तक रहेंगे, तो मंगल देवता 18 तारीख से कन्या में जाएंगे और 3 अक्टूबर तक रहेंगे, मतलब काफ़ी लंबे अवधि तक वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्य में यदि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर कोई परिवर्तन हो सकता है या फिर कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारी बाधाएं की होती हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बाकी ग्रह आपके अनुकूल हैं, मंगल के अष्टम भाव पर होने के कारण यहाँ पर कुछ बाधाएं जब अगर बनती ही हैं तो उसके सबसे बड़े बाधा निवारण के लिए आपको हनुमान जी का चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हनुमान जी समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इतने हमारे कामनाओं को सिद्ध करने वाले यही हनुमान जी बनते हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना इस मंगल को प्रसन्न करने के लिए सदैव बना करके रखें। हनुमान जी पर लाल सिंदूर अर्पण करना सबसे बड़ा प्रभाव माना गया है इस मंगल को अपने अनुकूल बनाने का, तो इसलिए हनुमान जी पर लाल सिंदूर आप अर्पण कर सकते हैं। चुटकी भर सिंदूर मात्र हनुमान जी के चरणों पर रख दीजिए या उनके तिलक लगा दीजिए, आप ये मानिए कि आपने मंगल को प्रसन्न कर लिया है। यदि आपसे बन पड़े तो ओम भौम भौमाय नमः का जाप भी इस दरमियान कर सकते हैं। तो आपके दशमेश होने के कारण आपके कैरियर में ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ की यहां पर बात करेंगे मंगल देवता। अब अगले ग्रह की बात कर लेते हैं जो है बुध देव। भाई ये बुध देवता कौन है, तो आपके जीवन में यही बुध देवता आपके पंचमेश है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमें प्रारब्ध का प्रतिफल दिलाने वाला ग्रह माना गया है बुध आपके लिए, विशेष तौर पर कुंभ राशि के लिए।
आपके लिए योग कारक होते हैं बुध देवता, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हमेशा योग कारक इन्हें माना गया है। इनकी स्थिति कैसी है, तो ये बुध देवता आपके क्या दिखा रहे हैं, बुध सी में ही 23-8 तक वक्री, मतलब कि 23-8 को वक्री हो जाएंगे और ये स्वभाव तो ही आपके सप्तम में ही है, मतलब सप्तम भाव में होना एक तो अच्छा ही माना जाएगा, ऊपर से ये वक्री हो गए, वक्री स्थिति में आना मतलब पंचम भाव के प्रभाव को और बढ़ा देंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता यहाँ पर कायम कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर अपने आपसी बुद्धिमता से आपसी पति पत्नी के तर्क के द्वारा उसे अच्छा बना सकते हैं, कोई एक बड़ा डिसीजन हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन के द्वारा या फिर अपने मित्रों के द्वारा आप कोई अच्छा निर्णय भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के बुध किसका कारक माना गया है, बुध हमारी बुद्धिमता है और साथ ही साथ व्यापार कौशल यदि जानना है तो इस बुध से बेहतर और कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए बुध भी आपके लिए अनुकूलता को लेकर के ही आएंगे। परंतु जैसे 23 ये बुध 23-8 को वक्री भी हो जाएंगे तो यहाँ पर अनुकूल और अनुकूलता में और वृद्धि हो जाएगी, आप ये समझिए। अब देव गुरु बृहस्पति की बात हमने की है कि गुरु देवता ऑलरेडी आपको अनुकूल प्रभाव देंगे इस अगस्त के महीने में, तो देंगे ही देंगे। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो शुक्राचार्य जी शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही तो है वो ग्रह जो आपके भाग्येश हैं। भाई भाग्य का निर्धारण किसके हाथ में है, तो शुक्राचार्य के हाथ में। ये जहाँ जहाँ गोचर बस जाएंगे वहाँ वहाँ आपका भाग्य जाएगा, आप ये समझिए। और धन के कारक किसे माना गया है, शुक्राचार्य को, इसलिए ये आपके जीवन में भाग्य तो लेकर के ही आएंगे ही और साथ ही साथ धन की अभिवृद्धि भी शुक्राचार्य ने अपने हाथ में ले रखा है। क्या रिजल्ट देंगे, ये आपके दो नंबर, ये आपके चतुर्थेश भी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो योग कारक ग्रह हो जाते हैं यही हो जाते हैं शुक्रदेव। एक तो बुध आपके योग कारक तो है ही हैं, परंतु साथ में शुक्र आपके भाग्येश हैं और आपके सुखेश हैं, इसलिए ये आपके प्रबल योग कारक हैं। आज स्थिति क्या बनी हुई है, तो आज ये शुक्र देवता आज पूरे अगस्त महीने में, अभी कुछ समय के लिए अगस्त में 7-8-2023 को ये वक्री स्थिति में कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब आज के डेट पे 7 अगस्त का जब डेट होगा तब तक ये आपके सप्तम भाव पे रहेंगे। जीवन साथी व्यापार प्रेम प्रसंग इन सब का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये वक्री स्थिति में ही एक घर पीछे चले जाएंगे, मतलब ये आपके छठे भाव पर चले जाएंगे, छठे भाव पर जाना और वक्री स्थिति पर रहेंगे, यहाँ पर बोल सकते हैं कि शुक्र का छठे में जाना एक धन की प्राप्ति का एक सोर्स बना सकता है। क्यों, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और छठा भाव हमारी प्राप्ति है, तो धन प्राप्ति का एक संकेत। अब ये भाग्य है, तो भाग्य के स्वामी जब छठे में जाते हैं तो हालांकि थोड़ी बहुत भाग्य के साथ विडंबना भी हो सकती है, मतलब जितना हमने प्रयास किया उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति में कुछ कमी रह जाना, परंतु भूलना नहीं है ये प्राप्ति का स्थान है। हो सकता है हमने 100 रुपये का कार्य किया लेकिन भाई हमें 70-80 रुपये भी अगर मिल जा रहे हैं तो ये समझिए कि हमारा भाग्य हमारे साथ है। उसके बाद जब इनका गोचर परिवर्तन फिर से होगा तब तो वो खुल करके आपको धन देने के लिए बाध्य रहेंगे ही रहेंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं उस ग्रह को जो आपके राशि के अधिपति हैं, साक्षात शनिदेव, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं शनिदेव, और इसी कारण से कुंभ राशि के बहुत से लोगों को देखा गया है ये शिव के बड़े भक्त होते हैं और भगवान शिव की कृपा से ये बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और यही नहीं, ये शनि देवता भगवान शिव के ये शिष्य हैं और जबकि ये इनके इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, तो इसके शनि का संबंध कृष्ण से भी है और भगवान शिव से भी है। तो जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, मानिए आपको आपने शनि को प्रसन्न करने के लिए आपने उपाय खोज लिया है। भगवान शिव को की जो आराधना करता है, भगवान शिव पर जो जल अर्पण करता है, भाई सावन का महीना चल रहा है, तो उस प्रभाव को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए, उसे पाने के लिए हमेशा शिव जी की पूजा। अब ये शनि की क्या स्थिति है, आप सबको विदित है कि शनि 17 जनवरी सन 2023 को आपके जीवन में ये आपके लगन पर स्थापित है, आए थे। अब जैसे ही ये आए हैं पूरे 2.5 साल के लिए आए हैं और पूरे के पूरे 30 साल के लिए के बाद ये यहाँ पर आए हुए हैं। 30 साल के बाद आए हैं, इसका साफ साफ ये मतलब हो गया कि भाई इस भाव को ये जागृति प्रदान करेंगे।
हो सकता है आपको ये लगे कि भाई हमारे राशि के स्वामी हमारे राशि पर ही आए हैं, लेकिन हमें कोई लाभ तो दिख नहीं रहा या हमें कोई बहुत अचीवमेंट तो दिख नहीं रहा। आपको ध्यान देना है, बहुत से कुंभ राशि के भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। यदि आपको कुछ कमी है तो अपने बर्थ चार्ट में एक बार जरूर विश्लेषण कराइए, शायद हो सकता है कमी वहाँ पर कुछ हो और अगर उसको मैनेज कर लिया जाए तो हो सकता है शनिदेव खुल करके आपको रिजल्ट दें। शनि क्या प्रभाव देंगे, तो शनि देंगे हमारे लग्नाधिपति हैं, हमारे राशि के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि, हमारे व्यक्तित्व में विकास देखने को मिल सकता है, हमारे प्रत्येक कार्य, क्योंकि कर्म के कारक शनि देवता है, इस कारण से अभी 2.5 साल तक आप कर्म से विमुख नहीं हो सकते। आप किसी न किसी कारण से अपने कर्मों को जिएंगे और कैसी भी परिस्थिति हो अपने काम से आप पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव हमारे ऊपर ही आए हुए हैं, मतलब हमारे ऊपर मतलब कि हमारे राशि पर ही ये गोचर कर रहे हैं, और भाई क्यों ना हो हमारे राशि के स्वामी भी हैं, तो इसलिए इनका पॉजिटिव फल हमको जरूर प्राप्त होगा। अब ये शनिदेवता के पास कुछ शक्तियाँ भी हैं कि जहाँ जहाँ ये देखते हैं उस भाव को भी जागृत करेंगे, क्योंकि आपके पॉजिटिव ग्रह हैं ये, तो आपके साहस में वृद्धि कराएंगे, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कराने के साथ साथ ये इनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यापार में है, तो व्यापार में भी यहाँ पर अनुकूलता। और फिर नौकरी के कारक किसे माना गया है, नौकरी के कारक तो माने गए हैं शनि को ही ना, तो इस कारण से शनि नौकरी में भी स्थिरता और बढ़ोतरी दोनों को लेकर के यहाँ पर शनिदेव आएंगे, आपको ये जानना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, इसका मतलब कि कैरियर में ग्रोथ के अलावा कोई और कार्य करने वाले नहीं है शनिदेव। माना जाता है शनि की दशम दृष्टि जहाँ पर होती है, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा काम वहीं पर करना होता है और उसी के द्वारा ये लाभ की प्राप्ति भी करते हैं। तो शनि हमारे कर्म क्षेत्र कर्म स्थान पर आए हैं, तो इस कारण से हमारे कर्मों का प्रतिफल वो जरूर देंगे। 2.5 साल का गोचर है, इसलिए आपको सतर्कता रखना है, आप इस बात को लेकर के चिंतित न हो कि हमारे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। लंबे अवधि के ग्रह हैं शनिदेव, इसलिए हो सकता है कुछ विलंब कर सकते हैं, परंतु शनि बोलते हैं ना भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसी प्रकार से शनि देरी का ग्रह माने गए हैं, इसी कारण से इन्हें शनि कहा गया है, सहने सहने चलने वाले ग्रह। ये आपके जीवन में कोई अच्छाई करेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे, जो बढ़ाएंगे, और यदि आपको गिराएंगे तो धीरे धीरे गिराएंगे, तो इसलिए आपके जीवन में ग्रोथ लेकर क्या है, बढ़ोतरी करने के लिए आए हैं। आप 2.5 साल तक अपने जीवन से विचलित मत होइए, अपने कर्म क्षेत्र से विचलित मत होइए, निश्चय मानिए शनि आपको वो मुकाम दे सकता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। अब अभी के समय पर क्या हो रहा है, इस अगस्त के महीने में ध्यान होगा आपको कि 17 जून से यही शनिदेव वक्री स्थिति पर है, वक्री स्थिति पर रह करके ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, इसका मतलब सीधे ये आपके 12वें भाव को भी इफेक्ट डाल रहे हैं। प्रभाव कहाँ आ गया, 12वें घर पर भी आ गया। चेष्टा बल कहाँ बढ़ गया, तो हमारे लगन के साथ साथ 12वें घर की चेष्टा बल इनकी बढ़ गई, इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए। और किसके राशि पर है, अपने स्वयं के राशि को भी यहाँ पर प्रभावित करेंगे। आपके निवेश, पैसा कहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो समय देख लीजिए आप कि 4 नवंबर तक का समय जो होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अनुकूल होगा। साथ ही साथ आपके खर्चे, हानि, आपके प्रॉब्लम, इन सब में भी यहाँ पर कमी देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि हमारे खर्चे बहुत हो सकता है कि हमारे इनकम कम हो, लेकिन 4 नवंबर तक अभी आपको उसे मैनेज करने की आवश्यकता है, और जैसे ही 4 नवंबर गुजरेगा ये शनिदेव फिर से मार्गी हो जाएंगे, मतलब अपने मूल भाव का, आपके राशि का ये मूल आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस वक्री स्थिति पर, तो और विशेष इस अगस्त महीने पर, तो और विशेष जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉई हैं ये सब के सब हमारे शनिदेव हैं, इसलिए उनका सम्मान करना, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना, ये इनकी पहली रेमेडी होती है। दूसरी रेमेडी यदि जानना है आपको, तो अपने कर्म के प्रति आप सजग रहिए, क्योंकि कर्म के देवता कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शनिदेव हैं, इसलिए आपके कर्मों का प्रतिफल जरूर देंगे। यदि हमने अपने कर्म को किया है तब ये शनिदेव बहुत अच्छा हमको रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसी अगस्त के महीने में हमने कुछ डेट भी यहाँ पर निकाला हुआ है जो शायद आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। वो कुछ तारीखें हैं जिस तारीख को में आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, और उम्मीद है कि यदि आपके भगवान शिव भी आपके ऊपर कृपा रखते हैं तो निश्चय मानिए कि कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तारीख ध्यान दीजिएगा,
हमने सभी राशि के लिए निकाला हुआ था, आपके लिए कुंभ राशि के लिए ध्यान दीजिएगा, अगस्त के महीने में 3 अगस्त, 4, 7, 8, 26, 27 और 31 तारीख, ये जो तारीखें होंगी ये आपके लिए वृद्धिकारक, आपके लिए श्रेष्ठतम, कोई अच्छा उपाय देने वाला, कोई अच्छा कार्य की सिद्धि करने वाला और साथ ही साथ आपके लिए शुभ तारीखें होंगी। इसके अलावा 1, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 21 और 29 तारीख को थोड़ी सजगता रखनी होगी। इन तारीखों में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से दोनों ही तारीखें आपको प्राप्त हुई हैं। उम्मीद है कि आप सब इस समय पर जो सावन के मास में या अगस्त महीना है इसका आप अधिकाधिक लाभ उठा पाएंगे महादेव की कृपा से। उम्मीद करते हैं कि आप सबने इसे समझा है, जाना है। यदि आपको हमारे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको हमारे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, पुनः फिर से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।